सो मैं $7 million आपको दिखाता हूँ कि रुपीज में कितने हुए, $7 million इन INR. That would be 511,658,000 rupees. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हुए गाइज, ये करोड़ से भी बड़ा नंबर है. I'll just show you. जैसे कि आप देख सकते हैं हमें तो फंड्स देना बंद कर देंगे सीधा चाइना को, क्योंकि गाइज ऑब्वियसली अगर चाइना में कंपनी है तो वो गवर्नमेंट को भी पैसे दे रही होगी, एंड जो गवर्नमेंट है चाइना की वो यूज कर रही है हमारे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो इनडायरेक्टली गाइज हम ही पैसे दे रहे हैं अपने देश को खराब करने के लिए. So hey, what's up guys, Harsh here, back with another video. So guys, in this video, we're going to talk about a lot of things about PUBG. कि guys, PUBG Mobile, जैसे आपको पता होगा कि बैन तो हुई गया है हमारे इंडिया में. अब गाइस बात यह है कि हमारे ऐप स्टोर से कब तक हटेगा, अगर आपके मोबाइल में पबजी है आप इसे खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे. एंड गाइस एक्चुअली में गवर्नमेंट ने पबजी जो बैन किया है इससे एग्जैक्टली हमारे इंडिया को क्या फायदा होगा. सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली के सारे फटाफट सब चीज़ों की बात करते हैं. गाइस सबसे पहले चेक कर दें कि पबजी हमारे ऐप स्टोर पर अवेलेबल है कि नहीं है. अभी बज रहे हैं गाइस 2:33 और आज है 4th September. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पबजी हमारे ऐप स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव तो हो गया है, मेरे को एंड्रॉइड के बारे में नहीं पता. गाइस अभी थोड़ी देर पहले पबजी हमारे मोबाइल ऐप स्टोर पर था बट अब नहीं है. एनीवे गाइस मैं एक बार पबजी ऑन करके भी देखता हूँ. मैंने पबजी डिलीट कर दिया था, मैंने दोबारा डाल लिया चेक करने के लिए कि हाँ चलता है नहीं. फिलहाल के लिए हम देखते हैं पबजी चल रहा है नहीं चल रहा है. गाइस अगर आपके फोन में पबजी है तो गाइस थ्रू आउट मतलब हमेशा के लिए आपके मोबाइल में पबजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पबजी खेल पाएंगे. अनटिल एंड अनलेस क्या होता है कि पबजी जो टेंसेंट गेम वाले बंदे हैं, टेंसेंट गेम वाले अपने इंडिया वाले सर्वर्स को शट डाउन कर दे, उस केस में गाइस आप नहीं खेल पाएंगे पबजी. एंड गाइस एक और चीज की जो ISPs हैं आपका एयरटेल जियो वोडाफोन या फिर जो भी आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो ही कनेक्शंस एस्टैब्लिश करना बंद कर दे चाइना के टेंसेंट सर्वर के साथ. सो गाइस मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी फर्स्ट चीज है पबजी सर्वर शट डाउन कर दे वो तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली पबजी वाले क्यों चाहेंगे, टेंसेंट वाले क्यों चाहेंगे कि उनके जो गेम्स हैं उनकी रेटिंग लो हो और उनके यूजर्स कम हो, वो तो कभी नहीं हो सकता. सेकेंड चीज हाउएवर गाइस पॉसिबल है कि जो हमारे ISPs हैं वो हमारे कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाना बंद कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि पबजी बैन करना है. एंड गाइस गवर्नमेंट बहुत जल्दी इनको भी, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको भी एक गाइडलाइंस नोटिस भेज देगी कि हाँ कोई भी कनेक्शन वहाँ पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए. गाइस उस केस में आप पबजी यूज़ नहीं कर पाएंगे. वैसे गाइस अगर पबजी आपके पास मोबाइल में अभी है तो ये थ्रू आउट मतलब हमेशा के लिए पबजी आपके मोबाइल में रहेगा, ऐसे नहीं कि मोबाइल से डिलीट हो जाएगा. एंड गाइस फिर आप इसको VPN लगा के यूज़ कर पाएंगे, मतलब जिनको बहुत ही मन है खेलने का. वैसे गाइस खेलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको बताऊँ आगे जाके कि इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है, खेलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी VPN लगा के जो इसको खेलना है वो खेल ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एनीवे गाइस फिलहाल के लिए मैं एक बार गेम स्टार्ट करके देखता हूँ. मैं लॉबी तक तो आ गया हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली गेम भी चल रहा है. सो ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि गेम अभी भी चल रहा है. सर्वर जैसे कि मैंने आपको बताया सर्वर बैन नहीं होंगे और हमारे ISPs को अभी भी हमारी वो नहीं मिली होगी गाइडलाइंस कि इन सर्वर के कनेक्शन बंद कर दे. एनीवे गाइस ये हो गई बात और गेम चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद. गाइस अब हम बात करते हैं ज़रा कि इंडिया को एग्जैक्टली इससे बेनिफिट क्या होगा. सो गाइस फर्स्ट चीज़ सबसे पहले डेटा, डेटा इज़ द न्यू गोल्ड गाइस, ये आपको मानना ही मानना पड़ेगा. डेटा के साथ हम बहुत हम तो नहीं मतलब हाँ हम भी या फिर जो कंपनीज जिनके पास करोड़ों यूजर्स का डेटा है, बहुत सारा डेटा, वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं आपके डेटा के साथ. सो गाइस सबसे पहले चीज़ अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो एक्टिव यूजर्स हैं पबजी के डाउनलोड्स हैं 50 मिलियन और जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 33 मिलियन. 33 मिलियन मतलब 3 करोड़ 30 लाख. 3 करोड़ 30 लाख में से गाइस 2.5 करोड़ यूजर्स जो हैं, मतलब मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ यूजर्स तो होंगे ही होंगे, बाकी 7 करोड़ यूजर्स वो होंगे जिनकी फेक आईडी होंगी, डुप्लीकेट आईडीज होंगी. बट गाइस 2.5 करोड़ यूजर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है. एंड गाइस 2.5 करोड़ यूजर्स का डेटा तो है ही है पबजी के सर्वर्स के पास चाइना में, वो भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए. तो गाइस चाइना में सारा का सारा डेटा तो है ही यहाँ पर टेंसेंट के पास सर्वर के पास. एंड गाइस ये कंपनीज क्या करती हैं, ये आगे जाके और कंपनीज को सेल कर देती हैं डेटा. मान लो गाइस आपका ये ब्लैक डार्क डीप वेब पे 10-10 रुपए के पासवर्ड्स मिलते हैं गाइस, मतलब आपका आईडी और आपका पासवर्ड 10-10 रुपए में इतने कम पैसे में सेल होता है. सो डीप वेब की तो एक बात हो गई. एंड गाइस और कंपनी जैसे मान लो कोई दूसरी कंपनीज है उनको भी डेटा सेल कर देती है बहुत ही 10 या फिर 20 रुपए के रेट में. एंड गाइस मान लो उनके पास 2.5 करोड़ यूजर्स का डेटा है, सो 2.5 करोड़ यूजर्स का डेटा है. एंड गाइस अगर मान लो एक डेटा को 15 रुपए में सेल कर रही है, सो गाइस उनके पास ये जो नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पर इतने पैसे तो आ जाएंगे उनके पास बैठे बिठाए, और ये सारे पैसे आएंगे डेटा को सेल करने से. मतलब डेटा सेल तो गाइस ये बड़ी ही कॉमन चीज़ है, दुनिया भर बहुत कंपनी डेटा सेल करती हैं. डेटा सेल
बहुत सारी कंपनीज करते हैं गाइस। पीछे न्यूज आपने देखी होगी, फेसबुक की भी न्यूज आई थी कि फेसबुक भी डेटा सेल कर रही है। सो भाई डेटा सेल करना तो कोई नई चीज नहीं, मतलब इतने पैसे तो उनके पास आ ही जाएंगे बड़े ही आराम से। हो सकता है ये नंबर बिल्कुल सही ना हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट गाइस ये काफी बड़ा अमाउंट चाइना के पास टेंसेंट के पास आ सकता है। एंड गाइस टेंसेंट एक कंपनी है चाइनीज, इनडायरेक्टली ये चाइना के फंड्स को भी प्रमोट कर रहा है। एंड गाइस इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएशन है कि वो चाइना को किसी तरह भी फंड करे। एंड गाइस ये चीज तो हो गई हमारे डेटा के साथ। गाइस अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि जो हमारे रॉयल पासेस होते हैं, रॉयल पास गाइस 800 रुपए का मिलता है। गाइस कई लोग उसकी स्किन्स भी खरीदते हैं, जो भी जितने भी स्ट्रीमर्स हैं ये तो खरीदते ही खरीदते हैं, साथ में गाइस और भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं उनकी स्ट्रीम स्किन्स वगैरह पे करके पबजी मोबाइल पे। सो गाइस ये हो गया सेकंड वे उनको फंड करने का। गाइस अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 2019 का आर्टिकल है गाइस, ये 2019 के हिसाब से $7 million की इंडिया से, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से फंड्स आते हैं 2019 में, जब यूजर्स कम थे बहुत ज्यादा, $7 million से। वेट मैं एक बार फिर भी चेक करता हूँ। सो गाइस 2019 का आर्टिकल है, 7 मिलियन पबजी ने अकेले कमाए थे इंडिया से स्किन सेल करके। मतलब वो जो 32 करोड़ वाला जो मैंने अमाउंट दिखाया था आपको, एक बहुत बड़ा सा भी थोड़ी देर पहले, 32 करोड़ तो नहीं था, 332 करोड़ था हाँ वाला अमाउंट। एंड गाइस 7 मिलियन डॉलर्स में आपको दिखाता हूँ कितने होते हैं, 7 मिलियन। तो गाइस ये उसका 2019 का नंबर था, जब 29 में यूजर थोड़े कम थे, 29 से 2020 में यूजर बहुत 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 बढ़े हैं पबजी के इंडिया में। सो मैं 7 मिलियन डॉलर्स आपको दिखाता हूँ कि रुपीज में कितने हुए, 7 मिलियन डॉलर्स इन INR, 6 करोड़ से भी बड़ा नंबर है। और डेटा इज द न्यू गोल्ड गाइस, डेटा के बारे में मैं जितना बताऊं आपको उतना कम है, जिसके बाद आपका डेटा गाइस वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आपको मैन्युपुलेट कर सकते हैं, आपको एक चीज को बाय करने में, मतलब डेटा के साथ तो हद से ज्यादा चीजें कर सकते हैं, मैं फ्यूचर वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि इतने ज्यादा पैसे, इतने ज्यादा फंड्स तो मतलब चाइना के पास थ्रू इंडिया, और ये वाला जो नंबर मैंने आपको दिखाया था ये तो था गाइस 2019 का नंबर, 2020 में तो नंबर और बढ़ गया होगा। सो गाइस इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमें तो फंड्स देना बंद कर देंगे सीधा चाइना को, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली अगर चाइना में कंपनी है तो वो गवर्नमेंट को ही पैसे दे रही होगी, एंड जो गवर्नमेंट है चाइना की वो यूज कर रही है हमारे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इनडायरेक्टली गाइस हम ही पैसे दे रहे हैं अपने देश को खराब करने के लिए। सो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से गाइस एक तो हमने ये बंद कर दिया कि सीधा फंड्स देने बंद कर दिए चाइना को, एंड गाइस फंड्स बहुत बड़े अमाउंट में थे, करोड़ों में फंड्स थे जो ये देने डायरेक्टली बंद हो गए पबजी के बैन से। सेकंड चीज, इंडिया अपना डेटा बिल्कुल भी नहीं दे रही है चाइना को, जो कि एक और अच्छी बात है इंडियन यूजर्स के लिए। इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हम अपना डेटा नहीं दे रहे हैं चाइना को। वैसे तो गाइस हम अपना डेटा काफी सारी साइट्स को दे रहे हैं, फेसबुक वगैरह जितने भी साइट है सबके सर्वर बाहर है, बट गाइस चाइना के साथ सिचुएशन थोड़ी ऐसी है जिसमें हम उनको बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेने दे सकते, और वो एडवांटेज गलत तरह से यूज कर रहे हैं उसका, हमें ही डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड गाइस लास्ट चीज जो मैंने मेरे हिसाब से, मतलब मैं कोई बहुत तगड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने खुद ही गेस किया है गाइस, लास्ट चीज जो हो सकती है वो ये है कि गाइस अब देखो जैसे मान लो पबजी बड़ा ही वाइड स्प्रेड गेम था, हर लोग यूज करते थे, बड़ा ही फेमस गेम था, पबजी बैन हो गए तो हमारे इंडियन डेवलपर्स जो हैं, इंडियन गेम फॉर डेवलपर्स हैं, उनको एक काफी अच्छा चांस मिल गया है अपनी स्किल्स को शोकेस करने का, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली जो हमारे यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं चीज ढूंढते रहते हैं, ऐसा नहीं है पबजी बैन हो गए तो अगला गेम कोई हो ही नहीं सकता। सो गाइस ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास अपने स्किल्स दिखाने की, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखाने की, और वो एक नया गेम डेवलप कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट पबजी बन सकता है या फिर फर्स्ट वही वाला गेम बन सकता है जो कि हमारे इंडियन डेवलपर्स बनाएंगे। इंडियन डेवलपर्स के लिए काफी अच्छी बात है, जितने भी स्टार्टअप्स आजकल आ रहे हैं या फिर जितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो सॉफ्टवेयर लाइन में है वो गाइस गेम क्रिएट कर सकती है हमारे इंडिया के लिए, जो मेड इन इंडिया होगा एंड जो थोड़ा बहुत दिखने में पबजी जैसा ही होगा। तो गाइस ये तीन फायदे हैं मेरे हिसाब से पबजी बैन करने के इंडिया में, एंड गाइस मोस्ट प्रोबेबली आपको भी ये फायदे काफी ज्यादा सही लगे होंगे, क्योंकि गाइस ये सही ही है। तो फिलहाल के मेरे को आपको बस यही बताना था इस वीडियो के थ्रू। एंड गाइस इफ यू गाइस हैव मेड टिल द एंड, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहां तक आ गए देन यू विल डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड वी विल टॉक अबाउट पबजी मोर इन द फ्यूचर वीडियोस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।